सरदार पकड़ से जाए। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो हमारे यहाँ पर नई नई पोस्टिंग हुई, इसलिए मुझे यहाँ कुछ माहौल मालूम नहीं, इसलिए मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। पकड़ सिंह, यहाँ पे शराब की कोई अवैध धंधे तो नहीं चल रहे हैं? शराब बनती है दुर्गापुर में, दुर्गापुर में होएगा, जैसे ब्रह्मौली में होएगा, सबीसपुर में होएगा, इधर तीन चार पुरम कसके कच्ची वाली दारू बन रही मऊहा वाली। आप पकड़ सिंह, ये हल्का किसके पड़ता है? सर ये हल्का हमारा पड़ता है। तो क्या तुमने इनके साथ कोई एक्शन नहीं लिया? सर हमने एक्शन भी लिया है और छापो डारे गए हैं, छापा चाहे जब जब डारे हैं, पौवा खाट दारू पी के लौटी आई थी। पकड़ सिंह, इसका मतलब तुम घूस लेते हो? अरे नहीं घूस नहीं लेते सर, मान लो यहाँ से पहुंचे और छापा डारे तो डरा डराता है, कह रहे साहब उतनी दूर से आ थके माने पौवा खाट चढ़ा लियो। पकड़ सिंह, लेकिन आज के बाद आप यहाँ पे घूस नहीं चलेगी। आज तुम अच्छी तरह जानते हो हम जरा इंस्पेक्टर दूसरे किस्म के हैं, और गुप्ता मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? आप लगा लीजिए अवैध धंधे तो नहीं चल रहे हैं? नहीं, इस वक्त मेरे हल्के में तो कोई अवैध कटान नहीं चालू है। सर तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे शीशम होएगा, मऊहा होएगा, आम हो गए, नीम हो गए। कौन कटाता है? अरे सर कटाई होती लेकिन सर पैसा वैसा मिल जाता है। पकड़ सिंह, मैंने क्या कहा कि आज के बाद यहाँ पे घूसखोरी नहीं चलेगी? अरे सर हम घूस नहीं लेते, लेकिन मान लो जैसे टाली लदी जा रही पहुंच गए तो चुप्पे जेब में डाल दिया था, वहां से लौटी आई थी। और मैंने कहा क्या कि जरा आप इंस्पेक्टर दूसरे किस्म के हैं? लग रहा कि नए नए ट्रांसफर होकर के इस शंकरगढ़ में आए हो। इस शंकरगढ़ में अगर कोई पुलिस का कर्मचारी आता है तो नौकरी की शुरुआत करने के लिए पहले वो ठाकुर की हवेली में धुआं बंदगी करने के लिए आता है, लेकिन आज ये ठाकुर चल करके पुलिस थाने में आया तो इस ठाकुर का कोई सम्मान नहीं, कोई पुलिस वाला अपनी कुर्सी तक नहीं छोड़ा है। आपकी तारीफ। इस शंकरगढ़ रियासत का जमींदार ठाकुर चतुर सिंह। जमींदार ठाकुर चतुर सिंह, जिस काम के लिए स्थान है आइए आए हो वो काम फरमाइए। आपका काम क्या है बोलो? आपका शुभ नाम? तुझसे कौन पूछ रहा है? लोग मुझे इंस्पेक्टर अमर के नाम जानते हैं। बोलो आपका काम क्या है और किस लिए आप यहाँ पे आए हैं? आप अपना काम फरमाइए। इंस्पेक्टर अमर, आज हमारे ऊपर एक ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है जिसकी वजह से हवेली से चल करके आपके पुलिस थाने में आना हुआ है। कौन सा ऐसा पहाड़ है बोलो, मैं जानना चाहता हूँ। सुने अगर बताएंगे नहीं तो आपको मालूम कैसे होगा? सरकार भारी
क्या उसने लिखा है। तत्काल उसका नौकर और हवेली में आया, अतिया लूटने की है उसने तैयारी। इंस्पेक्टर अमर, उस हराम जादे शंकर सिंह ने इस ठाकुर की हवेली में लेटर भेजा है और कल हवेली को लूटने के लिए इस लेटर के माध्यम से चैलेंज दिया है। जमींदार साहब, अगर ये बात है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और मैं अपने फोर्स को आपके हवेली के चारों तरफ लगा दूंगा, और जैसे ही शंकर सिंह आएगा वैसे ही गिरफ्तार होगा, ये मेरा वादा है। लेकिन इंस्पेक्टर अमर, आप अपनी इस वर्दी पर बहुत बड़ा गर्व करते हैं, लेकिन हमने अपने इस हिंदुस्तान में देखा है कि बहुत से वर्दी वाले पुलिस अधिकारी खाकी के नहीं खादी के गुलाम बन गए हैं, और नेताओं के एक इशारे पर वो क्या से क्या कर बैठते हैं कोई नहीं जानता है। जमींदार साहब, अरे मैं इंसाफ का पुजारी हूँ, अरे मैं इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, चाहे मेरा बाप हो लेकिन मैं उसे गिरफ्तार करूंगा, मेरा वादा है। वाह इंस्पेक्टर वाह, आज तुझे तेरी बातें सुनकर के मुझे बहुत बड़ा गर्व हो रहा है, और इसी बात में मुझे एक शहर याद आ गया है कि शहादत में कहा सबको वतन मिलता है, शहादत में कहा सबको वतन मिलता है, और जो मरता है देश के लिए उसे तिरंगा कफन मिलता है। इंस्पेक्टर अमर, आप हमें इजाजत दे और हम अपनी हवेली की तरफ जाएं, आप हमारी हवेली में इतनी बड़ी पुलिस फोर्स लगा दे कि शंकर सिंह की परछाई भी ना दिखाई दे सके। देखिए आप चलकर अपने हवेली पे आराम कीजिए, और मैं अपने पुलिस फोर्स को आपके हवेली के चारों तरफ लगा देता हूँ, जैसे शंकर सिंह आएगा हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़िया और जेल के सलाखों के पीछे होगा, ये मेरा वादा। इंस्पेक्टर अमर, तो हम आपके और आपकी सारी पुलिस फोर्स के हवेली में आने का इंतजार करेंगे। ठीक है राम सिंह, क्या हुआ, हमारे साथ आओ, हम इनकी सारी फोर्स के आने का इंतजार करेंगे। और गुप्ता जी, अपने फोर्स को तैयार करो, और चतुर सिंह के हवेली के चारों तरफ लगा दो, और जैसे शंकर सिंह आए उसके हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़िया होना चाहिए, और जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब हम जा रहे हैं हम लोग हवेली में पहरा दिए, वहां निहाद है सरग नरक के डाहा पाही और कुकुर मरिगा सारा आवाज आही। कहना है दोस्तों, कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की, न दफनाओ मिली लाश को यारो, उम्मीद है वे किसी के आ जाने की। कहना है क्यों मरते सु बेवफा के लिए, दुपट्टा न मिलेगा कफन के लिए, मरना है तो मरिए देश के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये तो फिल्मी दुनिया वाले ने गाया है, लेकिन पंपापुर की नौटंकी में गोविंदा ने क्या फरमाया है। मेरे देश की पोकरी, मेरे देश की बकरी, खाए पुदीना हगे है सोवा मेथी, मेरे देश की बकरी।